नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वर संस्कार महफिल में। स्वर संस्कार महफिल का द्वितीय संस्करण यानी कि हमारी महफिल का ये दूसरा अध्याय है। पहले अध्याय में हम लोगों ने 41 कलाकारों को आपके बीच प्रस्तुत किया। आपने 41 बेहतरीन प्रस्तुतियां यहाँ पर सुनी। कई देश विदेश से आपने कलाकार सुने, गायन सुना, संगीत सुना, आपने कहानियां सुनी, आपने शेर व शायरी सुनी और आपने इन सभी कलाओं का आनंद लिया। और इसी इसी के तौर पर इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमने स्वर संस्कार महफिल का ये दूसरा संस्करण शुरू किया है, जिसकी आज ये पांचवी महफिल है। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, स्वर संस्कार फेसबुक पेज से हम लोग जुड़े हुए हैं। ये स्वर संस्कार पेज फेसबुक पेज पर लाइव स्वर संस्कार महफिल है। स्वर संस्कार फेसबुक पेज जिस पर हमारे आदरणीय गुरु श्री संजय देवले जी, जो स्वरों का रियाज कराते हैं, संगीत का अभ्यास कराते हैं, जो शुरुआत में हम लोगों ने करीब 50 दिन तक हमने प्रतिदिन अभ्यास किया है। हमने प्रातःकालीन अभ्यास किया है, जिसमें प्रातःकालीन रियाज सत्र में गुरुजी स्वयं 2 घंटे से लेकर कभी कभी 2.5 घंटे तक हम सभी को अभ्यास कराते थे, जिसमें न सिर्फ हमारे देश से बल्कि विदेशों से कई लोग जुड़ते थे और संगीत का अभ्यास करते थे, स्वरों का रियाज करते थे। साथ ही शाम को यानी कि सायकालीन सभा में भी गुरुजी ने हमें संगीत सिखाया है, जिसमें पहले की तरह बहुत सारे लोग जुड़े और हमने संगीत का आनंद लिया। और इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए गुरुजी अब हर रविवार सुबह 8 बजे यहाँ पर स्वरों का अभ्यास कराते हैं स्वर संस्कार पेज पर। और आप लोग जैसे जुड़े थे वैसे ही जुड़े रहिए आगे भी, और संगीत का आनंद देते रहिए, स्वरों का अभ्यास करते रहिए, और साथ ही इस स्वर संस्कार महफिल से जुड़े रहिए और नए नए कलाकारों को सुनते रहिए। ये स्वर संस्कार महफिल जिसका ये दूसरा संस्करण है और दूसरे संस्करण की आज पांचवी प्रस्तुति है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, हम लोगों ने कई कलाकारों को सुना, हम लोगों ने 41 कलाकारों को सुना जो देश विदेश के कई शहरों से हमारे बीच आए और उन्होंने अपनी प्रस्तुतियां दी और हमारा मनोरंजन किया। आज हमारे बीच जो कलाकार हैं, वो कलाकार बहुत ही विशेष कलाकार हैं, बहुत ही विशिष्ट हैं, गुणी हैं, आदरणीय हैं, बड़े हैं, वरिष्ठ हैं और उस्ताद कलाकार हैं। और हमारा सौभाग्य है कि हमें कुछ ऐसे उस्ताद लोगों का यहाँ पर सानिध्य मिला, ऐसे उस्ताद लोगों के साथ हमें इस महफिल में उनकी गायकी, उनकी कला, उनका संगीत हमें सुनने को मिला, उनकी शायरी हमें सुनने को मिली, जो बहुत विरले ही कभी कभी मिलती है। लोगों को मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है, मैं खुद ग्वालियर से हूँ तो मैं जानता हूँ कि ग्वालियर में तानसेन समारोह होता है, जिसमें तानसेन समारोह में न सिर्फ हमारे देश से बल्कि विदेशों से भी बड़े बड़े कलाकार, शास्त्रीय कलाकार आते हैं और अपनी प्रस्तुतियां देते हैं। और ऐसी प्रस्तुतियों को हम लोग रात रात भर बैठ के हम लोगों ने सुना है। मुझे याद है जब मैं स्कूल कॉलेज में हुआ करता था तो हम लोगों ने रात रात भर बैठ के इन प्रस्तुतियों को सुना है, वहां पर बड़े बड़े दिग्गज कलाकारों को सुना है। तो ऐसे कलाकारों को यहाँ पर अपने घर में बैठकर फेसबुक के माध्यम से लाइव हम अगर उन्हें सुन पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा सौभाग्य, इससे अच्छा अवसर हमें कभी जिंदगी में प्राप्त नहीं होगा। तो ये अवसर हमें देने वाले हमारे परम पूजनीय गुरु श्री संजय देवले जी हैं, जिन्होंने इसकी नींव रखी और इस स्वर संस्कार महफिल को शुरू किया। और उन्हीं के सानिध्य में हम बड़े बड़े कलाकारों को यहाँ पर सुनते हैं। तो आज जो हमारे कलाकार हमारे बीच में हैं, उनका नाम है उस्ताद निसार हुसैन खान साहब। और निसार हुसैन खान साहब जो हैं, वो आप जब 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 यहाँ पे प्रस्तुति देने आएंगे, वो जब वो मंच ग्रहण करेंगे, तो आप देखिएगा कि किस तरह से ऐसे कलाकार जो हमारे हमारे शास्त्रीय संगीत का जो एक स्वर्णिम दौर जो हम लोगों ने देखा है, हमारे सामने से गुजरा है, बल्कि मैं ये कहूंगा कि हमारे भी नहीं, जो हमसे पहले जो संगीत से जुड़े हुए हैं, हमारे गुरुजी हैं, उनके समय के लोग हैं, तो ऐसे ही समय के जब लोग, जब बड़े लोग, जब उस्ताद, जब गुणीजन, जब वरिष्ठ कलाकार हमारे बीच आते हैं, तो कैसा समा बनता है, कैसा हम कैसा संगीत का आनंद लेते हैं, कैसा रसपान करते हैं और किन किन अनुभवों से गुजरते हैं, हमें क्या क्या अनुभव यहाँ पर देखने सुनने और महसूस करने को मिलते हैं, ये आज आप एक और खास अनुभव, एक विशेष अनुभव यहाँ पर प्राप्त करने जा रहे हैं। हमारे बीच उस्ताद निसार हुसैन खान साहब हैं, जो देश के सुप्रसिद्ध तबला वादक हैं और साथ ही साथ गायक भी हैं, जिनका जन्म जयपुर के राज दरबार के प्रतिष्ठित संगीतज्ञों के परिवार में हुआ है। यानी कि न सिर्फ बचपन से बल्कि कई पीढ़ियों से इनका परिवार संगीत से जुड़ा हुआ है। इनके पिता श्री उस्ताद श्री काले खान साहब, जो तबले के बहुत ही गुणी उस्ताद थे, तथा इनके दादा उस्ताद कल्लन खान साहब, जो राज दरबार में टप्पा गायकी के विशेषज्ञ गायक थे, और
तो तबला और गायन ये दोनों ही जो है ना विरासत में मिला है, इन दोनों ही विधाओं की इन्होंने विधिवत शिक्षा प्राप्त की है, विधिवत सीखा है और विरासत के रूप में इसको लेके वो आगे बढ़े हैं और अपना जीवन समर्पित किया है। और गाने की जो प्रारंभिक तालीम है वो निसार हुसैन खान साहब को उनकी माता जी से मिली, साथ ही शास्त्रीय गायन की तालीम उन्होंने अपने दादा उस्ताद कल्लन खान साहब से हासिल की और बाद में अपने पिता को उन्होंने अपना उस्ताद बना के, और जहाँ पे उनके पिता ने उन्हें कादर खान साहब की शागिर्दी में सौंप दिया और वहां पर उन्होंने गायकी सीखी, गायकी उनकी आगे बढ़ी और गायकी परवान चढ़ी। इसके साथ ही गायकी सीखते सीखते उन्हें तबले में भी रुचि हुई कि जैसा हमने कहा कि उनके उनके परिवार में न सिर्फ गायन बल्कि तबला और संगीत की सभी विधाओं से जुड़े कलाकार हैं, तो उनकी तबले में रुचि पैदा हुई और इसकी तालीम उन्होंने घर पर ही अपने पिता सुप्रसिद्ध तबला वादक और गुरु जी श्री काले खान साहब से लेना शुरू की और अपनी मेहनत रियाज और बड़े गुरुजनों के साथ अभ्यास करते करते वो यहाँ तक पहुंचे। और तबले के साथ जब उन्होंने तबले पे संगत करना शुरू किया और बड़े बड़े मंचों से, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय बड़े बड़े मंचों से, बड़े बड़े कार्यक्रमों से, जैसा मैं अभी जिक्र कर रहा था तानसेन समारोह का, इस तरह के बड़े बड़े कार्यक्रमों में जब दिग्गज कलाकारों के साथ, उस्ताद कलाकारों के साथ उन्होंने तबले पर संगत की, तो तब उनका कहना है कि उन्हें कई सारी चीजें, कई सारी बातें, कई सारे गुर हुनर सीखने को मिले शास्त्रीय संगीत के। तो सोचिए आप, हम जो संगीत सीखना चाहते हैं, अभी सीखने के हम स्तर पर हैं जहां पर हम अभी सिर्फ एक छोटे से शिष्य हैं, हम छोटे से एक स्टूडेंट हैं, उनसे बड़े जो हमारे गुरुजन होते हैं जिनसे हम संगीत सीखते हैं, जो अपने अपने वक्त में जो प्रस्तुतियां देते हैं और हम बच्चों को संगीत सिखाया करते हैं, उनसे भी वरिष्ठ जिन लोगों का गायन या वादन या प्रस्तुतियां देख के हमारे गुरुजन बड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे एक बड़े वरिष्ठ कलाकार और उस्ताद हमारे बीच आज मौजूद हैं और हमारी प्रस्तुति हमारे बीच रख के हमें जो है वो, मुझे लगता है कि हम पर आशीर्वाद बरसाएंगे वो, हमें हमें दुआएं देंगे वो, उनकी प्रस्तुति जो हमारे लिए दुआ की तरह है कि हम उसे देखें, उनकी बात सुने, ना सिर्फ उनकी प्रस्तुति, उनकी बातें सुने, उनके उनके आचरण को देखें। उन्होंने अपने जीवन में संगीत को, संगीत की साधना करते करते क्या कमाया है, हम वो देखें और वो उनसे लेने की कोशिश करें, तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा और कुछ नहीं होगा। तो उनके बारे में और बहुत कमाल की चीजें हैं जो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। उस्ताद निसार हुसैन खान साहब जो हैं वो अकेले एकमात्र ऐसे प्रतिष्ठित गायक हैं जो गायन के साथ पूर्णतः तबला, यानी कि गायन के साथ संगत भी स्वयं करते हैं। हम आमतौर पर देखते हैं कि जब मंच पर एक गायक होते हैं जो अपनी प्रस्तुति देते हैं गायन की, उनके साथ संगतकार होते हैं जो दूसरे संगीतकार होते हैं, वादक होते हैं, जैसे तबला वादक हुए, जैसे हारमोनियम साज हुए, तो ये तबला अपना खुद स्वयं बजाते हैं, यानी कि ये गायक भी हैं और ये वादक भी हैं, यानी कि ये कलाकार भी हैं और संगतकार भी हैं। तो ऐसे गुणीजन, ऐसे उस्ताद उस्ताद निसार हुसैन खान साहब को आज आपको सुनने को मिलेगा। तो देखें हमें आशीर्वाद स्वरूप, हमें दुआओं के रूप में क्या मिलता है उनसे आज। और इस गायन और तबले के अद्भुत संगम को जो है उन्होंने देश विदेश तक लोगों तक पहुंचाया है और लोगों को मंत्रमुग्ध किया है, लोगों की रूहों को सुकून दिया है अपने संगीत से। और साथ ही इस वक्त वर्तमान में वो जयपुर रेडियो में टॉप ग्रेड के तबला वादक हैं तथा गायन में ए ग्रेड के कलाकार हैं। तो यानी कि इस उम्र में भी, इस पड़ाव पर आकर भी उनका संगीत के साथ लगन, उनकी संगीत की साधना, उनका उनका प्रस्तुति आज तक जारी है, चल रही है, लोग आनंद ले रहे हैं, सीख रहे हैं। तो ऐसे गुणीजन हमारे बीच हैं, उनका ना सिर्फ हम गायन सुनेंगे बल्कि उनसे कुछ सीखने की कोशिश करेंगे, उनकी बातों से वो हमें कुछ कुछ अगर कुछ बातें, कुछ किस्से, कुछ अफसाने, कुछ कुछ कहानियां, कुछ अपने अपने निजी अनुभव अगर हमसे साझा करें, तो मुझे लगता है कि हमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एक छोटे से संगीत के साधक, संगीत के शिष्य के रूप में। तो मैं बिल्कुल भी वक्त ना जाया करते हुए, आप ज्यादा देर नहीं करते हुए, मैं उनको आपके बीच आमंत्रित करूंगा और मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को शेयर करें और लोगों को जोड़ें, संगीत तक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि YouTube चैनल पे हमारे जितने कलाकार अभी तक यहाँ आए हैं, 40 से 45 प्रस्तुतियां जो आपने यहाँ पर देखी सुनी हैं, उन सभी प्रस्तुतियों का, उन सभी कलाकारों का आप
दोबारा से आनंद ले सकते हैं YouTube पर। YouTube पे हमारे चैनल पे वो सभी प्रस्तुतियां उपलब्ध हैं, और साथ ही वहां पर सायंकालीन सभा बहुत जल्द, वहां पर शाम को हम गुरु जी के द्वारा एक रियाज सत्र लिया जाने वाला है जिसका हम हिस्सा बनेंगे। तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल को, लोगों तक पहुंचाइए, साथ ही इस Facebook पेज को भी लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए वॉच पार्टी में और लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि ऐसी प्रस्तुतियां जो हैं वो बहुत कम देखने को मिलती हैं। सौभाग्य होता है कि ऐसे बड़े लोगों के का हम गायन सुन सकें, उनकी बातें सुन सकें, उनको देख सकें और उनसे कुछ सीख सकें। तो मैं बिना किसी देर के उनको अपने साथ जोड़ता हूं, 2 से 3 मिनट के अंतराल पर उनका वीडियो शुरू होगा मेरे वीडियो समाप्त होने के बाद। तो आप लोगों तक पहुंचाइए ये वीडियो, इसको वॉच पार्टी में शेयर कीजिए, और मैं अगले हफ्ते एक नए कलाकार के साथ आपके बीच दोबारा उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, संगीत का आनंद लेते रहिए, संगीत का रसपान करते रहिए, संगीत की साधना करते रहिए और लोगों तक संगीत पहुंचाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
सोई थी, सोई थी, सोई थी।
एक दो बंदिश हैं, ये पुराने बुजुर्गों की हैं। एक बंदिश है सरताज के सादरा है, तो वो बहुत पुरानी बंदिश है। उसका आमद देखिए आप, वो बहुत बुजुर्ग आदमी थे उस्ताद मौला भगत जी भाव से, उनकी बंदिश है ये।
Mm-hmm.
कारण तुम सजे हो भवन आ
दिया से हो ग्राम पूछे ग्राम पूछे उन्हीं सिया से हो कौन से ईश्वरी ने लिखा इसको पिया कैसे झुलाऊं रस के बिना मोरी नरम कलाई गड़त कन्या
और जो भी है वो आपके सामने है। रूह तो है लेकिन गला काम नहीं कर रहा है, रूह तो काम कर रही है अल्लाह की मेहरबानी से। तो एक मार्ड है आपको।
मुझे इस बात की बड़ी दुख भी है, खुशी भी है, आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ, और वही बात है, रूह काम कर रही है, आवाज़ काम नहीं कर रहा है, लेकिन खंडा बता रहे हैं मार्ग तो बुलंद है, तो वो जैसा भी कुछ गलती हुई है जहाँ भी, उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, बाकी जो भी था आपके सामने पेश किया, शुक्रिया, धन्यवाद।